रिसेंटली मैंने ओप्पो की तरफ से लॉन्च हुए न्यूली ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स ओप्पो एनको एक्स को परचेस कर दिया है। ये एक्स बना हुआ है यहाँ पे, इसको परचेस किया है। और ये जो है एक तरीके से बजट वाले ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि इनका प्राइस 10,000 रुपीज़ है। और 10,000 रुपीज़ में ये जो स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं ऑन पेपर वो काफ़ी कमाल की है। मैं इंटरेस्टेड इसलिए हूँ क्योंकि ये जो ईयरफोन्स है ये कोलैबोरेट करके बनाया गया है डायना ऑडियो के साथ में। अब डायना ऑडियो के बारे में आपको नहीं पता है तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी ब्रांड है जो प्रोफेशनल जो है लाउड स्पीकर्स बनाती है, और करीब 10,000 से भी ज़्यादा जो है प्रोफेशनल स्टूडियोज में जो है उनके स्पीकर्स हैं, और वो लोग OEM पे भी काम करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स ब्रांड्स हो गए फॉक्सवैगन, वोल्वो कार्स, बुकाटी, इनमें जो उनके OEM इंस्टॉल्स हैं। तो एक तरीके से काफी फाइन ट्यून है उनका पूरा ऑडियो, उसके साथ कोलैबोरेट करके जो है उन्होंने ये इन ईयरफोन्स को जो है बनाया है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, इनको मैंने खुद परचेस किया है, 10,000 रुपीज क्या है। आई होप आप लोग जो है प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करोगे, नीचे लाइक का बटन है इसको प्रेस जरूर कर देना, और अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है तो वो भी जो है आप कमेंट कर सकते हो। तो इतना अगर आप करोगे तो मेरे लिए काफी बड़ी बात होगी, और मैं और भी जो है आगे चल के प्रीमियम ब्रांड्स को कवर करूंगा। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो चैनल की तो सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो लेकर आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डू दी अनबॉक्सिंग। तो गाइस कुछ इस तरीके का व्हाइट कलर का बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, ओप्पो डायना ऑडियो की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, और ओवरऑल ये ब्रांडिंग आपको पूरे बॉक्स में कई बार देखने को मिलेगी। इमेज आपको मिल जाती है ईयरबड्स की, ओप्पो एनको एक्स जो है नीचे लिखा गया है, वहीं पीछे की तरफ आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी गई है जो पॉपुलर है इस ईयरबड्स की। तो गाइस बॉक्स ओपन करते ही हमें यहाँ पे एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है, और भाई यहाँ पे भी जो है एक्स लिखा गया है, और भाई बॉक्स क्वालिटी काफी कमाल की है, काफी प्रीमियम सा लग रहा है। पीछे यहाँ पे सेम स्पेसिफिकेशन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, तो इसको जो है हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही सबसे पहले आप ओपन करोगे तो यहाँ पे जो है आपको पेपर वर्क के लिए जो है एक छोटा सा पैकेट देखने को मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी भी मुझे काफी कमाल की लग रही है, थोड़ा सा जो है ग्रिड टाइप की जो है यहाँ पे आपको डिजाइन मिल जाती है। इसके अंदर जो है आपको पेपर वर्क मिल जाते हैं। पेपर वर्क के बाद यहाँ पे हमें डायरेक्टली चार्जिंग केस देखने को मिलता है, और यहाँ पे एयर टिप्स मिल जाते हैं। चार्जिंग केस जो है पॉलिथिन में रैप्ड है, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरीके का जो है आपको चार्जिंग केस दिख जाएगा, ब्लैक कलर में इसको परचेस किया है। अभी मैं थोड़ा इसको साइड में रख देता हूँ, हम देख लेते हैं कि और क्या क्या बॉक्स में मिलता है। तो यहाँ पे जो है ईयर टिप्स के लिए अलग से बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर स्मॉल और लार्ज साइज के जो है आपको ईयर टिप्स मिल जाते हैं। और वहीं पे उसी के नीचे जो है यहाँ पे आपको एक और बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर जो है आपको व्हाइट कलर की USB टाइप सी केबल मिल जाती है। तो अब इन सबको साइड में रखता हूँ, ईयरफोन्स को यूज करता हूँ, फिर कुछ दिनों बाद जो है आप लोगों से मिलता हूँ फुल डिटेल रिव्यू के साथ में। तो गाइस अभी आपने जो अनबॉक्सिंग देखी उसको मैं 2 दिन पहले ही शूट कर चुका था, जैसे ही मेरे पास ये ईयरबड्स आए थे तुरंत अनबॉक्सिंग मैंने कर दी थी। लेकिन 2 दिन तक जो है मैं यूज कर रहा था इसको, और मैंने यूट्यूब जो है अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि गाइस आपको अनबॉक्सिंग देखनी है सिर्फ या फिर फुल रिव्यू देखना है। तो वहां पे जो है ऑलमोस्ट लोगों ने ये बोला कि भाई फुल रिव्यू लेकर आओ, तो मैंने सोचा कि यार 2 दिन पहले इसको यूज कर लेता हूं उसके बाद रिव्यू लेकर आता हूं। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से, क्योंकि भाई यहां पे इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन पे जो है काफी ज्यादा ध्यान जो है ओप्पो ने दिया है। चार्जिंग केस की क्वालिटी काफी स्ट्रांग है, काफी थिक है, लाइक आप जैसे इसको फर्स्ट टाइम पकड़ोगे तो आपको जो है फील हो जाएगा कि काफी प्रीमियम जो है इसको बनाया गया है। वहीं पे जो है आपको देख सकते हैं कि आपको मेटेलिक सा जो है रिंग देखने को मिल जाएगा पूरी चार्जिंग केस पे, जो एक तरीके से राउंडेड है, और वो जो है काफी अच्छा एक टच दे देता है, इसको थोड़ा सा अलग सा स्टैंड आउट कर देता है। वहीं ऊपर की तरफ आपको ओप्पो की ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे जो है आपको USB टाइप सी का जो है पोर्ट मिल जाता है, और राइट साइड में यहाँ पे आपको जो है एक बटन मिल जाता है जो पेयरिंग के लिए काम आता है, यानी कि अगर आपको इसको दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करना है तो इस जो आप देख सकते हैं ये बटन है, इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा और थोड़ी देर बाद जो है ये पेयरिंग मोड में चला जाएगा। व्हाइट कलर की LED लाइट जो है सामने जो लगी हुई है वो ब्लिंक होने लगी है। लाइक जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको फील होगा कि भाई बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। इसका जो हिंज है या ओवरऑल ऊपर का जो कैप है वो काफी थिक है, काफी भारी सा है। मैंने बाकी ईयरफोन्स भी यूज कर रखे हैं, प्रॉब्लम उनमें ये होती है कि काफी लाइट क्वालिटी के होते हैं, बड़ी चीप से जो है लगते हैं, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, आपको काफी थिक क्वालिटी का जो है इसका कैप ऊपर का देखने को मिल जाएगा। और एक चीज आप और नोटिस कर सकते हैं, इसको जो है मैं सिंपली एक फिंगर से जो है ओपन कर रहा हूं, काफी इजीली ओपन हो जाते हैं क्योंकि इसमें मैग्नेट जो दिया है वो काफी अच्छा दिया है। और इसकी आवाज मैं आपको एक बार सुना देता हूं,
काफी सेटिस्फाइंग सी आवाज है। तो यहाँ पे आपको हिंज में जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन में जो है ये चलने वाला है। तो जैसे इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की एलईडी लाइट जो है ब्लिंक होती हुई मिल जाएगी। ये इसलिए दी गई है कि भाई अभी जो है ईयरबड्स पूरे अंदर से चार्ज है, अगर ये चार्ज नहीं होते हैं तो थोड़ा सा ऑरेंज जो है बताते हैं, अगर ये पूरी तरीके से डेड है यानी ईयरबड्स अंदर के पूरे डेड है तो ये रेड कलर में जो है इसकी एलईडी लाइट जो है कन्वर्ट हो जाती है। तो चार्जिंग एलईडी कुछ इस तरीके से काम करती है। तो ईयरबड्स की क्वालिटी की बात करूं तो सबसे पहले इसकी जो है डिजाइन की बात कर लेता हूं। यहां पे इसका डिजाइन जो है पूरी तरीके से इंस्पायर है एप्पल एयरपॉड्स प्रो की तरह। और गाइस यहां पे ब्लैक कलर के हैं ये भी है, और नीचे की तरह आप देख सकते हैं थोड़ा सा मेटल सा जो है आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है। और ये 45 डिग्री टिल्टेड है ताकि आपके ईयर में अच्छे से फिट हो जाए। और यहां पे आपको ईयर टिप्स जो मिल रही है वो बाय डिफॉल्ट मीडियम लगी हुई आई थी, बट मैंने जो है इसमें लार्ज लगा दिए क्योंकि मुझे जो है इतना फिट जो है मीडियम नहीं लगा था। उसी के बाद यहां पे जो आप देख रहे हैं यहां पे आपको टच सेंसर्स मिल जाते हैं। अब टच जो इसमें सेंसर्स हैं वो टैप के साथ में यहाँ पे आप स्लाइड भी जो है कर सकते हो। जब मैं टच कंट्रोल्स की बात करूंगा जब वहां पे जो है सारी चीजें आपको समझा दूंगा अच्छे से कवर मैंने की है, तो आप वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना। वहीं इनमें जो है आपको डुअल ड्राइवर मिल जाते हैं। पहला जो ड्राइवर है वो 11 mm का है जो मिड लो फ्रिक्वेंसी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बैलेंस करने में काम आता है। और जो सेकंड ड्राइवर है वो 6 mm का है जिसको मैग्नेटिक मेम्ब्रेन ड्राइवर जो है कहा गया है, जो हाई फ्रिक्वेंसी को जो है बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इन ईयरबड्स के मैं कंफर्ट और फिट की बात करूं तो यहाँ पे जो है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसके लिए मैंने टेस्ट भी किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयरबड्स को मैंने अच्छे से पहन लिया है और अपने सर को मैं काफी तेज हिला रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि भाई ये ईयरबड्स कान से निकलेंगे या नहीं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, इवन जो है मुझे ऐसा लगा भी नहीं है बीच में कि ये थोड़े से ढीले हो रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। तो अगर आप इसको जिमिंग रनिंग के लिए यूज कर रहे हो तो आप अच्छे से यूज कर सकते हो, आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी और ये बाहर जो है ऐसे नहीं निकलेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पे ये ईयरफोन्स कुछ सिलेक्टेड ईयरफोन्स में आते हैं जिनमें आपको अभी जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ ब्लूटूथ 5.2 वर्जन मिल जाता है। और भाई ब्लूटूथ 5.2 को मैंने अच्छे से टेस्ट आउट किया क्योंकि मैं ब्लूटूथ 5.0 बहुत दिनों से यूज कर रहा हूं और डिफरेंस मुझे फील हुआ है। वो डिफरेंस क्या है, यानी कि जब इनको मैंने कनेक्ट किया अपने फोन से और अगर मैं अपने रूम से दूसरे रूम में जा रहा हूं और म्यूजिक चल रहा है तो कनेक्टिविटी लॉस नहीं हो रही है वॉल आने के बाद भी। लेकिन ब्लूटूथ 5.0 में ऐसा हो रहा था कि जैसे मैं दूसरे रूम में जाता हूं कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है, वो प्रॉब्लम मुझे इन ईयरबड्स में जो है नहीं फील हुई है। तो ये काफी अच्छा एडवांटेज मुझे इसमें लगा है। और यहाँ पे पेयरिंग स्पीड मुझे काफी फास्ट लगी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ फटाफट से जो ये कनेक्ट हो जा रहे हैं और जैसे मैं क्लोज कर रहा हूँ ये डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। कनेक्टिविटी पेयरिंग के मामले में जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छा जो है आपको एक तरीके से ट्रांसमिशन मिल जाता है। ओप्पो के ये एनको एक्स ब्लूटूथ 5.2 के अलावा LHDC कोडेक को भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि लो लेटेंसी हाई डेफिनेशन ऑडियो। ये एक ब्लूटूथ कोडेक है और इस कोडेक को जो है APTX कोडेक से भी बेटर माना जाता है। यहाँ पे आपको SBC और AAC का भी कोडेक मिल जाता है, लेकिन LHDC जो है एक तरीके से काफी अच्छी क्वालिटी का है और ये हाई रिस ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए जो है काफी यूजफुल होता है। LHDC कोडेक जो है वो अभी लिमिटेड ओप्पो फोन्स के लिए सपोर्टेड है और ओप्पो ने ऐसा बोला है कि भाई कुछ दिनों बाद OTA अपडेट के थ्रू बाकी फोन्स में भी जो है आपको LHD का सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे बाकी अदर ब्रांड्स की बात करूं तो मेरे पास अभी Xiaomi का Mi 10i रखा हुआ था और भाई मैंने उससे कनेक्ट करा था एंड लकीली वो LHDC को सपोर्ट करता था। तो आप देख सकते हैं ब्लूटूथ सेटिंग्स में यहाँ पे LHDC का ऑप्शन आ गया था, तो मैंने इसको जो है हमेशा ऑन करके ही इसको यूज किया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं लेकिन कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के टाइम पे जो है अभी कई सारे फोन जो है लैग करते हैं LHDC कोडेक के लिए, तो यहाँ पे आपको जो है इतना एक्सपीरियंस फील नहीं होगा अगर आपके पास जो है LHDC कोडेक सपोर्ट नहीं कर रहा है आपका फोन, तो आपको एक तरीके से SBC और AAC पे ही जो है रिलाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऐसा कोई डेडिकेटेड मोड नहीं मिलता है जिसको आपको इनेबल करना पड़े, ये हमेशा ही जो है लो लेटेंसी में रहता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे गेमिंग टेस्ट भी जो है इसका बताने वाला हूँ कि लेटेंसी वगैरह आपको कैसे मिल जाती है, तो प्लीज आप वो पहले सुन लीजिए। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसकी लो लेटेंसी मोड भी आप लोगों को टेस्ट आउट करके बता दिया। आप लोग प्लीज कमेंट में मुझे बता देना कि आपको फर्क समझ में आया कि नहीं। पर्सनली मुझे तो कोई फर्क समझ नहीं आया, मैं इजीली बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी जो है गेम को खेल सकता हूँ। तो अब साउंड क्वालिटी की मैं डायरेक्टली बात कर लेता हूँ और इस सेगमेंट में मुझे जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये ईजी है मेरे लिए। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत बहुत सही है, लाइक मेरे को जो है अभी तक मैंने जितने भी TWS ईयरफोन्स सुने हैं इंक्लूडिंग एयरपॉड्स प्रो, उन सबसे जो है अच्छी क्वालिटी मुझे इन ओप्पो के एनको एक्स में
में फील हुई है। लाइक डायना ऑडियो का जो कोलैबोरेशन है वो सच में काफी वर्थ है, गिमिक नहीं है कोई भी इसमें। जो आप जब म्यूजिक सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई इस म्यूजिक में ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट था जो मैं मिस कर रहा था जो बाकी के ईयरफोन्स में जब मैं सुन रहा था, तो इसका म्यूजिक क्वालिटी मुझे इतनी बेटर लगी है। वहीं अगर मैं बेस की बात करूं तो यहां पे आपको पंची बेस मिल जाएंगे लेकिन थंपिंग वाले बेस नहीं मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और मेरे हिसाब से अच्छा हुआ थंपिंग बेस नहीं, क्योंकि वो बेस जो होते हैं ना वो क्वालिटी जो है साउंड की जो ओरिजिनल क्वालिटी होती है उस चीज को खराब कर देते हैं। और ANC के साथ में अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो कई बार मैंने ऐसा फील किया है कि भाई क्वालिटी जो है और भी बेटर हो जाती है। लाइक ANC ऑन करने के बाद तो मुझे और भी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, जो बैकग्राउंड नॉइज वगैरह हो रही है, एक जो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का जो साउंड हो रहा है उसको पूरी तरीके से कम कर देता है और साउंड क्वालिटी को और भी अच्छा बना देता है। सो अगेन साउंड डिटेल काफी कमाल के, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी काफी जबरदस्त है, साउंड जो है काफी अच्छा और स्पेशियस टाइप का आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर आप साउंड के लिए कोई ईयरफोन चाह रहे हो और आपका बजट 10,000 रुपीज है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा रिव्यू कंप्लीट करने से पहले ही मैं बता देता हूं कि आप इनको परचेस कर सकते हो। ANC की क्वालिटी मुझे इसमें काफी अच्छी लगी है। अगर मैं प्राइस के हिसाब से बोलूं तो मैंने जो है काफी सारे ANC यूज कर रखे हैं, मैंने सोनी के भी जो है हेडफोन यूज कर रखे हैं, एयरपॉड्स प्रो भी यूज कर रखे हैं, और अंडर बजट जो आते हैं 5,000-6,000 के जो रियलमी ओप्पो के आ रहे हैं वहां पे भी ANC यूज किया है। अब देखो जो 5,000-6,000 के ANC होते हैं ना उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप ईयरबड्स को पहनते हो ANC ऑन करते हो तो आपके ईयर में काफी प्रेशर जो है वो क्रिएट कर देते हैं, आपको फील हो जाता है ANC ऑन हो चुका है क्योंकि प्रेशर ही काफी क्रिएट कर देते हैं, ऐसे में साउंड क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है। लेकिन इन ईयरबड्स को पहन के जब मैंने ANC को ऑन किया है तो मुझे ऐसा पता नहीं पड़ रहा है कि ANC ऑन हो रहा है, लेकिन ANC ऑन हो चुका है और जो बैकग्राउंड नॉइस है उसको काफी रिड्यूस कर देता है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपके बगल में कोई बंदा खड़ा है और वो बहुत बातें कर रहा है तो उस चीज को ये उतना रिड्यूस नहीं करेगा, और मेरे हिसाब से ANC काम ही ऐसे करते हैं, चाहे आप सोनी के हेडफोन ले लो या एयरपॉड्स ले लो सारे ऐसे ही काम करेंगे। और हाँ, इन ईयरबड्स का आप ANC कंपेयर मत करना एयरपॉड्स प्रो या फिर सोनी के XM3 या XM4 के साथ में, उनके ANC की जो है बात थोड़ी अलग है, उनकी क्वालिटी जो है और भी अच्छी है। लेकिन 10,000 रुपए के अंदर में अगर आपको एक परफेक्ट ANC चाहिए विद अच्छी साउंड क्वालिटी तो ये जो ईयरफोन से काफी अच्छा आपको रिजल्ट दे देंगे। इनमें आपको जो है ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है, ट्रांसपेरेंसी मोड को मैंने यूज किया है तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि जब मैं खुद की आवाज सुन रहा हूं तो मुझे काफी रोबोटिक टाइप की मिल रही है। एक तरीके से जो ANC ऑफ होने के बाद जो थोड़ा सा एनहांसमेंट है वो आपको मिलता है, तो ट्रांसपेरेंसी मोड मुझे इतना बेटर नहीं लगा है। तो अब इनके टच कंट्रोल्स और ऐप सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर आपके पास ओप्पो का फोन है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लाइक ऑटोमेटिकली आप सारी चीजें कस्टमाइजेशंस वगैरह या फर्मवेयर अपडेट वगैरह आप डायरेक्टली फोन सेटिंग से जाके जो है कर सकते हो। बाय चांस आपका ओप्पो का फोन नहीं है, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, तो यहाँ पे आप दूसरे एंड्रॉइड फोन्स में भी हे मेलेडी करके जो एप्लीकेशन आ रही है उसको जो इंस्टॉल करके सारी चीजें आप सेम जो आप ओप्पो फोन में कर रहे हो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे अभी एप्लीकेशन एंड्रॉइड के लिए ही आया है, अगर आपके पास आईफोन है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि iOS के लिए अभी एप्लीकेशन नहीं है, तो कस्टमाइजेशन वगैरह जितने भी हो रहे हैं वो iOS डिवाइस वाले यूजर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको प्ले पॉज करना है तो आपको सिंपली जो है किसी भी ईयरबड्स को ऐसे निकालना है और आपका सॉन्ग जो है वो पॉज हो जाएगा, जैसे आप उसको वियर करोगे तो प्ले हो जाएगा। अगर मैं राइट वाले को जो है डबल टैप कर रहा हूं तो स्किप हो जाएगा, और अगर मैं प्रीवियस वाले अगर सॉन्ग प्ले करना है तो मुझे लेफ्ट वाले को जो है डबल टैप करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको वॉल्यूम कंट्रोल करना है तो यहाँ पे एक काफी अच्छा ऑप्शन मिला है, तो यहाँ पे जो है आपको सिंपली आप किसी भी जो है ईयरबड्स पे कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने लेफ्ट वाले पे जो है यहाँ पे करके रखा है, मुझे सिंपली जो है स्वाइप अप स्वाइप डाउन करना है वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन करने के लिए। और गाइस ये फीचर ऑनेस्टली बोल रहा हूँ काफी कमाल का काम करता है, मुझे लगा था पहले कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा लेकिन नहीं, अगर आप इसको अच्छे से बिल्कुल जो है स्वाइप अप करोगे तो वॉल्यूम अपने आप अप होती जाएगी और स्वाइप डाउन करोगे तो जो है वॉल्यूम कम हो जाएगी, ये एक फीचर मुझे काफी कमाल का लगा है। उसी के साथ में अगर मैं मोड्स की बात करूं तो यहाँ पे मोड्स को इनेबल करना भी काफी इजी है, उसको भी जो है आप कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने हे मेलेडी के थ्रू जो है एक तरीके से यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर रखा है, तो यहाँ पे अगर आप टच एंड होल्ड करके रखते हो फॉर 1 सेकंड तो आप जो है ट्रांसपेरेंसी मोड को इनेबल कर सकते हो, और अगर आप 1 सेकंड के लिए फिर दबाते हो तो यहाँ पे मैंने मैक्स नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन इनेबल करके रखा हुआ है। यस, यहाँ पे आपको 2 टाइप के नॉइस कैंसिलेशन मिल जाते हैं, एक नॉर्मल और एक मैक्सिमम वाला नॉइस कैंसिलेशन। तो यहाँ पे मुझे एक जो कमी लगी है वो ये कि अगर मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ उस टाइम पे अगर मैं ANC को ऑन या ऑफ कर रहा हूं तो वहां पे जो है म्यूजिक एक तरीके से लो नहीं होता है, पॉज नहीं होता है, म्यूजिक उतनी ही जो है वॉल्यूम में बजता जाता है और मुझे पता नहीं पड़ता है कि ANC ऑन हुआ है या ऑफ हुआ है, मतलब बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रहा है, वो उस हिसाब से जो है मुझे जज करना पड़ता है। आई होप नेक्स्ट अपडेट या इसमें जो फॉर्म
फर्मवेयर अपडेट आएगा उसके थ्रू ये चीज को फिक्स कर दी जाएगी। अब अगर बैटरी लाइफ की बात करूँ तो दोनों ही ईयरबड्स में आपको 44 mAh की बैटरी मिल जाती है और चार्जिंग केस में आपको 535 mAh की बैटरी मिलती है। अगर इन ईयरबड्स को आपको चार्ज करना है, लाइक इसको मैंने पूरी तरीके से जो है 0% पे लेकर आया था, उसके बाद इन ईयरबड्स में मैंने रखे थे तो अराउंड 49-48 मिनट जो है मुझे लगे थे फुल चार्ज होने में। यस, इसमें आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। ये एक जो चीज है मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट लगी है। इस प्राइस रेंज में एटलीस्ट फास्ट चार्जिंग इसमें देनी चाहिए थी। तो चार्जिंग केस और ईयरबड्स दोनों ही जो है 2 घंटे में जो है फुल चार्ज हो जाते हैं। वहीं पे यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो यस, इसको आप आराम से किसी भी जो है चार्जिंग पैड के ऊपर रख के इसको चार्ज कर सकते हो। वैसे अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ है, काफी अच्छी बैटरी लाइफ मुझे मिली है। मैंने जो है ANC हमेशा ही ऑन करके इनको यूज किया है तो करीब करीब 3.5-4 घंटे तक की जो है मुझे बैटरी लाइफ मिल गई है, जो नॉर्मल है। लाइक बाकी ईयरफोन्स में भी इतनी ही बैटरी लाइफ मिलती है। अगर आप ANC को ऑफ कर देते हो तो आपको 1 घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके कॉल क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों ही ईयरफोन्स में आपको डुअल माइक का सपोर्ट मिल जाता है। यस, यहाँ पे आपको डुअल माइक का सपोर्ट मिल रहा है जिसके कारण कॉलिंग जो है मुझे काफी जबरदस्त लगी है। लाइक ऐसा आप नॉर्मली अगर बात कर रहे हो तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर लेट सपोज काफी विंड वगैरह चल रही है तब भी इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है इसकी कॉल क्वालिटी का पूरा एक सैंपल सुनाने वाला हूँ। पहले आप वो सुनिए, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। सो गाइस, दिस इज द ऑडियो सैंपल व्हिच आई एम डायरेक्टली रिकॉर्डिंग फ्रॉम दिस ईयरफोन्स। अभी जो है मैंने अपने दूसरे नंबर पे कॉल कर दिया और वहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन को इनेबल कर दिया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आपकी आवाज रिसीवर एंड पे कैसी जाएगी। एक चीज मैं बता दूं कि अभी जो है मैंने इसमें ANC यानी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके रखा हुआ है। पीछे जो है काफी सारा जो है नॉइस हो रखा है। मैं आपको बीच बीच में कैमरे की आवाज भी जो है सुना दूंगा ताकि आपको पता पड़ जाएगा। मुझे बैकग्राउंड में अभी कोई भी नॉइस जो है नहीं आ रहा है। तो गाइस, कुछ इस तरीके की ऑडियो क्वालिटी जो है आपको कॉलिंग के टाइम पे आएगी। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बता देना कि आपको अभी कैसा साउंड आ रहा है। अपना ओपिनियन दूं तो मुझे काफी कमाल की लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर काफी ज्यादा विंड भी चल रही है, अगर आप इनकेस बाइक के टाइम पे भी इन ईयरफोन्स को यूज कर रहे हो कॉलिंग के लिए तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, इन ईयरफोन्स पे अगर आपको ANC चाहिए, काफी अच्छा ANC चाहिए 10,000 रुपए में, अगर आपको अप फ्रंट साउंड क्वालिटी चाहिए, और वहीं अगर आपको 10,000 रुपए में एक ऐसे TWS चाहिए जिसमें स्टेबिलिटी ब्लूटूथ की काफी अच्छी हो, प्लस जूम कॉल मीटिंग के लिए और कॉलिंग के लिए जबरदस्त हो, तब भी आप जो है इनको परचेस कर सकते हो। तो ओवरऑल पैकेज में ये काफी अच्छे ईयरफोन्स हैं। इनको मैं लेने का सजेशन जो है पूरा 100% देता हूं अगर आपका बजट 10,000 रुपए है। तो गाइस, ये वीडियो को हम यही एंड कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। और गाइस, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपके जो YouTube फीड पे जो है मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।